अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आपको बनाना चाहूँगा कि हम लोग कलर्स वगैरह सारी स्क्रीन कैसे तैयार कर सकते हैं। कंट्रोल एस से इसको सेव कर लेते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, जहाँ पे काम करना है हमने। यहाँ पे आता हूँ, इसको बनाता हूँ क्या कलर्स, ठीक है। लेकिन ये कलर्स फोल्डर है, इसके अंदर जाके हमने सेव करना है इसको कलर डॉट एच टी एम एल, ठीक है। यहाँ पे आना है, एच टी एम एल का टैग लगाना है वेलकम टू कलर्स, ठीक है। और यहाँ पे आके बैकग्राउंड कलर हमें लाजमी लगाना पड़ता है सी ब्लू, देखते हैं कलर है कि नहीं है। यहाँ पे आया, कलर्स को ओपन किया, यहाँ पे हमने सी ब्लू कलर को ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे उसके अंदर फॉर्म्स बनानी है उसकी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल सी एस एस बनाना है, इसको सेव करता हूँ। मैं यही नाम रख देता हूँ कलर, चल ठीक है, डॉट सी एस एस, सॉरी। उन्होंने ये नाम रख लिया। और यहाँ पे आके ये टाइटल के बाद इसको क्या करना है, लिंक करना है। लिंक करने के लिए लिंक लगाएंगे, हाइपरटेक्स्ट में ये लगा देंगे। और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ बॉडी, और बॉडी के अंदर मैं आके कहता हूँ बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड हमारे पास कौन सा होना चाहिए, मैं कहता हूँ कि रिपीट के बजाय मैं कहता हूँ वेब किट लीनियर ग्रे, जी मैंने ये इसके अंदर ऐड कर दिया। मैं इसको कहता हूँ 66 डेग पे ये काम करे, और काम करने के बाद इसके मैं कलर कौन सा करता हूँ, सिंपल सिंपल कलर कर लेते हैं, येलो कलर कर लेते हैं, और इसके बाद हॉट पिंक कलर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं। अच्छा, पहले ये कलर हुआ था, मैंने कलर चेंज किया। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें तीन कलर हमारे पास आ चुके हैं। अब इसके ऊपर मैंने क्या चीज़ बनानी है स्टूडेंट, हमने बनाना है कलर्स के फॉर्म को। अब हमें कलर के नाम याद नहीं आते रहते, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कहता हूँ इनपुट टाइप कलर। अब ये देखना, यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया। अब स्टूडेंट ये देखें, यहाँ पे हमारे पास कलर आ चुके हैं। कोई भी कलर आता है उसका नेम नीचे आ जाता है, लेकिन नेम को यहाँ पे सेव करना मुश्किल हो रहा है। मैं चाहता हूँ इसका नेम अलग से आना चाहिए, तो इसके लिए मैं इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ। मैं इसको कहता हूँ एक आई डी दे दो और बी टी, और इसके बाद फिर मैं कहता हूँ इनपुट, सॉरी मैं कहता हूँ ऑन इनपुट। तो क्या हो, ए डॉट वैल्यू इज इक्वल हो जाए बी डॉट वैल्यू के, ठीक है। ये हमने कर दिया, यहाँ पे आया और मैं आके इसको कहता हूँ हैश बी। अगर आप बी ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अगर मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि डी, तो यहाँ पे भी हम लोगों को डी यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ सी, ठीक है, तो सी लगा दिया। यहाँ पे आता हूँ मैं, डी को कंट्रोल करना है, ठीक है जी, डी को कंट्रोल कर लेते हैं। डी में आके मैं कहता हूँ बॉर्डर लगाओ, कितना का लगाओ, 41 पिक्सल का लगाओ, लेकिन डॉटेड हो और रेड हो, ठीक है। अगर तो ये यहाँ पे आता है, ठीक है, ये देख डॉटेड रेड। और इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसमें मैं कहता हूँ इसकी जो है ना मार्जिन माइनस लेफ्ट, उसको मूव करा दो 500 पिक्सल तक, ठीक है। अब वो यहाँ से मूव कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है। अगर ऊपर से मैं इसको नीचे भी लेके आना चाहूँ तो कोई भी मसला नहीं है, मैं कोई भी नहीं रोक सकता, मार्जिन माइनस टॉप 100 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे है, ये देखिए 100 पिक्सल पर आ गया। अब मैंने करना है कि इसके साथ टेक्स्ट भी लगा आना चाहिए, ताकि वहाँ से हम चीज़ों को कॉपी कर लें। यहाँ पे लगाएंगे इनपुट और इसको कहूँगा टेक्स्ट, और इसकी जो आईडी है वो देंगे सी, क्योंकि हमने सी डॉट वैल्यूज इक्वल टू की थी डी के। यहाँ आके रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें ये फॉर्म बन चुके हैं। यहाँ पे कोई भी क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे ये वाला कलर भी इसके साथ ऐड हो, ठीक है, येलो के बाद आए या येलो से पहले आए, तो यहाँ पे आता हूँ मैं, ये देखें अब मेरे पास ये कलर यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।